अस्सलाम व्यूअर्स, हस्बे वादा माया की ट्रेनिंग तो मैं शुरू कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं एक वीडियो आ चुकी है और आज से सिनेमा 4D भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सिनेमा 4D की हैंडलिंग के हवाले से भी एक अलग वीडियो आएगी, लेकिन आज मैं आपको सिनेमा 4D में टेक्स्ट के हवाले से बताने लगा हूँ कि किस तरह से इसमें टेक्स्ट से खेला जाता है या टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको लेकर आऊँ, उससे पहले के सिनेमा 4D के अंदर आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर आ जाता हूँ स्क्रीन पे, और ये आ गए हम अपने सिनेमा 4D की स्क्रीन पे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिंगल व्यू है। सिंगल व्यू के अलावा मैं यहाँ पर जो है, अच्छा माया जो भी मैंने खोला हुआ है, माया को मैं बंद कर दूँ, काफ़ी हैवी हो जाएगा, माया को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, और वरना कैश इसकी काफ़ी क्लियर करनी पड़ जाएगी। तो मैं पहले इसको स्टॉप करता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ ताकि माया बंद हो जाए। और इसमें आज ये डोमिनो इफेक्ट के ऊपर ही हुआ है, ये आपने जब ये एनिमेशन देखी, ये मैंने कैसे बनाया इसके बारे में बात की है, ठीक है। ये आ गया सिनेमा 4D, और आई होप कि इस दौरान में जो है वो कैमरा बंद नहीं है और आप मेरी आवाज़ भी सुन सक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू है। अगर आपको सिंगल व्यू लाना हो तो आप मिडल माउस दबाते हैं तो ये सिंगल व्यूज़ आ गए, चार व्यू बोर्ड आ गए, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट, राइट। अगर आप मिडल माउस दबाएं तो देखिए टॉप का एनलार्ज व्यू, मिडल माउस दो मतलब अगर आप दोबारा दबाएंगे तो ये इसको एनलार्ज भी करेगा और इसको छोटा साइज भी कर देगा। ये देखिए ये मिडल माउस से हो रहा है, मिडल माउस को लेफ्ट क्लिक की तरह दबाना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जैसे मैं दबाता हूँ ये आ गया फुल स्क्रीन आ गया। यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से मो ग्राफ के अंदर आप जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा मो टेक्स्ट, नजर आ रहा है सबको मो टेक्स्ट। तो अब मो टेक्स्ट लिया मैंने, अब देखें बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट आ गया। सिनेमा 4D के अंदर कोई भी चीज़ अगर जूम करना हो, डायरेक्ट उस चीज़ पर जाना हो, अगर वो सिलेक्ट है तो आप दबा देंगे एस एस, ठीक है। जी हाँ, बस इनका भी सिनेमा अंदर आ जाएगा, ये उनको थोड़ी देर में भेज दिएगा, ठीक। तो मैं आपको एस दबा के दिखाता हूँ, ये देखें ये हो गया, जूम हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है, ये 3D टेक्स्ट है। लेकिन और क्या कुछ हो सकता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ देखें कैप्स का ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट ये आप डबल क्लिक करके इसका नाम कुछ और रख दें, जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर आपने कैप्स के अंदर, अच्छा जो इंडिया से वो इंडिया लिख दें, ठीक है, ऐसा माइंड नहीं कीजिएगा कि मैंने ये क्यों लिखा, लेकिन ये कि यहाँ पर मैं कैप्स पे जाता हूँ और कैप्स में जाके अगर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट में देखिए इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट, इसकी जगह मैं कर देता हूँ। अच्छा सम टाइम्स ये होता है, लेकिन आप दोबारा क्लिक करके लिख लें जो आप लिखना चाह रहे हैं, और जैसे आप यहाँ पर कहीं क्लिक करेंगे या इधर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, ठीक है, डन हो गया। और क्या कुछ हो सकता है, जैसे ये हो गया, फिर आप देखें यहाँ आपके पास बोल्ड का ऑप्शन भी है, बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे क्लिक करने पे फॉन्ट का ऑप्शन थोड़ी देर में खोल देगा, ये देखें ये सारे फॉन्ट हैं और उर्दू के फॉन्ट भी होंगे यहाँ पर, लेकिन आप अपनी पसंद के फॉन्ट इसमें से ले सकते हैं, जैसे ये है देखा आपने, इस तरह फॉन्ट आ गया। फॉन्ट का टेक्स्चर बनाना है तो आप देखें, अगर मैं जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक वाइट कलर का टेक्सचर आ गया, मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करता हूँ तो इसके ऑप्शन खोल देता है, और यहाँ से ये पहला ऑप्शन है कलर। अब जैसे लेट्स सपोज मुझे येलो कलर चाहिए, येलो का कलर शेड बनाया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है, और इसकी कंट्रोल दबा के कुछ कॉपीज ले ली, कंट्रोल दबाने से कॉपी होती है सिनेमा 4D में, ठीक है। कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे तो 3D मैक्स में शिफ्ट दबा के कॉपी होती है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के कॉपी होती है, माया में कंट्रोल डी दबा के कॉपी होती है, और आगे बोले तो और सॉफ्टवेयर की बता दूँ लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर सेकंड वाले पे डबल क्लिक किया, यहाँ एक डिफरेंट कलर ले लिया, थर्ड वाले पे क्लिक किया एक डिफरेंट कलर ले लिया, फोर्थ वाले पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है, और एक डिफरेंट कलर ले लिया, काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से, मेरा चलिए ले ही ले, ग्रीन ले लिया और क्या रहेगा लाइट ब्लू, अरे काफ़ी हो जाएगा। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ये पूरे पे आ रहा है, ठीक है,
अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ पूरे पे आ रहा है, पूरे पे ये इसको ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसको, इससे पहले कि मैं इसको पॉली में कन्वर्ट करूँ, एक काम करना है, पहले इसकी फीचर्स बता दूँ आपको। जैसे कि अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया इसके नाम पे, और यहाँ आप देखें आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आप इसके डेप्थ बढ़ा सकते हैं, इसके एक्सट्रूजन, ठीक है, कि कितना ये फूला हुआ कह लें या एक्सट्रूड हुआ हुआ, ठीक है। पाकिस्तान आजकल खुशी के मारे फूल गया, सही है। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे हमारे मेरे व्यूवर्स में सब लोग हैं, तो मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं चाहता, क्योंकि हमने भी दिल आज़ारी की, हमने की नहीं, बल्कि हम भी पहले हुआ ना कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान आ गया था घर पे अपने, तो सबके वही हालात थे। बहरहाल कोई बड़ी इशू नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आप, अगर यहाँ से आप इसके डिस्प्ले में जाके ग्राउडेड लाइंस ऑन कर दें, आप इसकी आउटलाइन देख सकते हैं। क्या क्या मैंने डिस्प्ले में जाके ग्राउडेड लाइंस, ग्राउडेड शेडिंग लाइंस, ये इसकी आउटलाइन दिखाएगा, ये हटा देगा, हाइड कर देगा, ये शो करेगा। अब यहाँ पर देखें आप, अगर मैं इसके कैप्स में आता हूँ, तो कैप्स में पहला ऑप्शन है स्टार्ट कैप। स्टार्ट कैप का मतलब है ये, एंड कैप का मतलब है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो स्टार्ट कैप में, यहाँ से मैं इसको जैसे अगर दे देता हूँ फिलेट, इसने राउंड शेप कर दिया, फिलेट कर दिया, लेकिन इसने ऊपर की सरफेस हटा दी, ऊपर की कैपिंग हटा दी। मैं बोलता हूँ कैपिंग ना हटाए, तो मैं इसको फिलेट नहीं देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ फिलेट कैप, ताकि वो कैप भी रखे और फीले भी करे। फीले का मतलब थोड़ा तरछाया हुआ, है ना। जैसे रिमोट आपको अगर मैं दिखा सकूँ, इस रिमोट के एजिस तरछाए हुए, थोड़े से इस तरह से चैम्फर हुए हुए, तो इस तरह यहाँ भी मैंने कर दिया। और इसके अंदर और क्या हो सकता है, आप देखिए रेडियस आप बढ़ा सकते हैं इसका, चैम्फर का कम कर सकते हैं, और अगर सेगमेंट बढ़ाएंगे, स्टेप बढ़ाने से राउंड हो जाएगा। अब देखिए कितना बेहतरीन राउंड हो गया, ये राउंड हुआ है, शायद दिख नहीं रहा हो लेकिन ये राउंड हो गया है। सेम यहाँ भी यही करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, पीछे की तरफ, यानी यहाँ से अगर आप एंड एंड में भी कैप को कर दें, यहाँ से फिलेट कैप हो गया मसला हल, और यहाँ भी सेगमेंट आप बढ़ा दें तो यहाँ से भी राउंड हो गया। अब देखिए चेंजेस कैसे हो सकता है, ये तो राउंडेड है ना, आप यहाँ से फिलेट कैप तो आपने ले लिया, कॉन्वेक्स आ रहा है टाइप, कॉन्वेक्स की जगह आपने कॉनकेव ले लिया, देखा क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, इस तरह से दर्शाया हुआ, ये भी अच्छा लगेगा। और कॉनकेव की जगह और क्या है, बहुत कुछ है, आप देखिएगा हाफ सर्कल है, आधा सर्कल इस पर लगा दिया, या फिर हाफ सर्कल की जगह आप उसके अंदर और भी बहुत कुछ है, एनग्रेव्ड है, एनग्रेव्ड में इस तरह एम्बोस करके अंदर की तरफ कर देगा, है ना, ये भी अच्छा लगेगा। और मतलब खेलने वाली बात है, अलग अलग ट्राई करके देखिएगा, इसमें बहुत कुछ है जो आप सीखने को, आपको काफ़ी सारा इसके अंदर मौजूद है। कॉनकेव कर देता हूँ, ये वाला कॉनकेव रखा है, ये वाला कॉन्वेक्स रखा है, बस ठीक है। बल्कि ये दोनों को ही कॉनकेव करेगा, दोनों का लिंक है, दोनों पर करेगा, इसको भी कॉनकेव करेगा, पीछे वाले को भी कॉनकेव करेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ से ये बटन दबा देता हूँ, एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करता हूँ, क्लिक कर दिया, पॉली में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मटेरियल लाकर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअली मैं लगा सकता हूँ उसके ऊपर, मुझे इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ये वाला बटन दबा देंगे, और उसके बाद मटीरियल ड्रॉप करें, आपकी मर्जी के मटीरियल आपके मर्जी के अल्फाबेट पे आ जाएगा, ठीक है। रिपीट भी कर सकते हैं, चूंकि मटेरियल अब खत्म हो गए, ब्लू तो मैं यूज कर चुका हूँ, बहरहाल देखा आपने इस तरीके से आउटलाइंस को गायब करना है। यहाँ से आप कर देंगे डिस्प्ले में जाके ग्राउडेड शेडिंग, और ये आपका मसला हो गया, ठीक है, कैसा जबरदस्त बना दिया इसमें। तो इस तरह के खूबसूरत किस्म के टेक्स्ट बड़े आसानी से आप जो है सिनेमा 4D के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, डन हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक रखते हैं आज की ट्रेनिंग, और उम्मीद है आज तमाम को, आप तमाम को जो है समझ में आ गई होगी। कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी बहुत कुछ आना है डायनेमिक्स के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से, मोशन ग्राफिक्स के हवाले से, और बहुत कुछ इसके अंदर है सिनेमा 4D में, रियल फ्लो के हवाले से, और इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत कुछ है, 3D Max से कैसे इंटीग्रेट होता है, माया से कैसे इंटीग्रेट होता है, और इसकी मोशन ग्राफिक्स कितनी पावरफुल है, मोग्राफ में और क्या कुछ है इसके अंदर, और इन्फ्लुएंसर वगैरह क्या करता है, और बहुत कुछ आप जो आगे सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।